नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एरोस में, एक ऐसी जगह जहां पे हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते और सिखाते रहते हैं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने किसी भी बिजनेस, वेबसाइट या यूट्यूब के लिए लोगो किस तरह से बनाए, वो भी एक आम लोगो नहीं, एक प्रोफेशनल लेवल का लोगो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप भी जानना चाहते इस विषय के बारे में पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे इस विषय से संबंधित। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आती है तो हमें एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे अपने चैनल को ग्रो करने में। और दोस्तों, अगर हमसे कोई भी गलती होती है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हम अगली बार आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सके। और ऐसी वीडियो आगे भी आप तक आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, किसी से कुछ भी सीखते रहने के लिए उसके साथ बने रहना जरूर। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम कैनवा ऐप ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, जिनको नहीं पता कि कैनवा ऐप क्या है, इस ऐप को आप अपने मोबाइल और पीसी दोनों में उपयोग कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट आप इसमें बनाओगे वो ही आप अपने पीसी में भी लॉगिन कर सकते हो अपनी एक आईडी बना के। अब जैसे जिस भी जीमेल आईडी से आप अपने बनाओगे, जैसे हमने अपने चैनल की आईडी से हमने बना रखा है, तो आप उसी आईडी को पीसी पे भी ओपन करोगे तो सेम वही प्रोजेक्ट वहाँ भी ओपन हो जाएगा, और आप वहाँ से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप मोबाइल एडिट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन वॉलपेपर या लोगो या कुछ भी ऐसे आप बना सकते हैं। तो हमें जैसे अपने किसी कंपनी के लिए लोगो बनाना, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, ये YouTube चैनल लोगो, तो आप इधर से बना सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अगर आपको किसी अपने बिजनेस के लिए अगर लोगो बनाना है तो आप कहां से बनाओगे। तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करोगे। अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें बहुत सारे इसमें डिज़ाइन आपको पहले से बने हुए मिल जाएंगे, और आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते वो कर सकते हैं। अब हम आपको एक इसमें करके भी दिखाएंगे, पर उससे पहले ऊपर जो ऑप्शन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है कि आपको किस कैटेगरी का इसमें लोगो चाहिए, जैसे बिजनेस, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियो, मार्केटिंग, तो ऐसे किस टाइप का चाहिए। दूसरा इसमें स्टाइल, तो इसमें आपको किस स्टाइल में चाहिए वो आप इधर से चुन सकते हैं, जैसे स्क्रिप्ट का है। ये देखिए, और अगर हम इसमें ये प्रोफेशनल इसको चुन लेते हैं, या हम एक से ज़्यादा भी इसमें चुन सकते हैं, तो ये देखिए, ये इसमें बिजनेस का ये आ चुका है। अब इसमें और जो आ गए, अब इसमें आ गई ये थीम कि आपको किस थीम के बेस पे चाहिए, जैसे ब्लैक, बिजनेस, फोटो, ये इसमें आप थीम चुन सकते हैं। अगला है फीचर, तो इसमें एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, तो हमें तो फिलहाल एक लोगो ही बनाना है, तो हम इसमें से अभी कोई नहीं चुनेंगे। दूसरा है ये सब्जेक्ट, तो इसमें बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, साइंस, तो अभी हम फिलहाल बिजनेस चुन लेते हैं। बिजनेस में इसमें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में इसमें कितने डिजाइन है, जैसे बिजनेस में 20 है, टेक्नोलॉजी में 5, तो ऐसे भी आप इसमें देख सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप जैसे टेक्नोलॉजी का चुनते हैं तो आप बिजनेस में यूज़ नहीं कर सकते, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर भी है कि आप उसमें किस तरह के चेंजेस करके अपने किस टाइप के बिजनेस में लॉन्च चाहते हैं। बस ये आपको एक आइडिया दे देते हैं। हम इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब है इसमें प्राइस, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक प्रो, एक फ्री। तो जो फ्री है वो तो हम इसमें आपको बताएंगे, पर जो प्रो है उसमें आपको इसमें इसका मंथली चार्ज जैसे लेना होता है, पर इसमें 14 दिन का फ्री ट्रायल भी होता है। तो अगर आप पहली बार इसको उपयोग कर रहे हैं तो आप उसमें भी फ्री ट्रायल में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसके जो प्रो वाले टेम्पलेट हैं
वो आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। अगला है ये कलर का कि आप अपने लोगों को किस कलर में रखना चाहते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई जो ब्रांड है उसको हम उनके कलर से ही पहचान जाते हैं, तो एक किसी भी लोगो में जितना उसका डिजाइन इम्पोर्टेंट होता है इतना उसका एक कलर भी होता है, जिससे एक नज़र पड़ते ही हमें उसके डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो एकदम से दिमाग में आ जाता है कि भाई ये उस कंपनी का लोगो है। तो आप इसमें अगर कोई अपना स्पेशली कोई कलर चुनना चाहते तो वो भी आप चुन सकते हैं। अब उसमें चुनने से ये होगा कि उस कलर में जो भी डिजाइन इसमें हो गए वो इसमें आ जाएंगे। जैसे हमने ब्लू को चुना था, इसमें ब्लू का फिलहाल कोई नहीं है तो ये क्लियर कर देते और इसमें सभी कलर में इसमें डिजाइन ले लेते। उसमें कलर तो हम बाद में भी चेंज इसमें कर सकते हैं, तो इससे हमें ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं जब हम कलर नहीं चुनते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजाइन को देख सके। और हम ऐसा नहीं कि एक ही डिजाइन पर बना सकते, हम उसमें और भी मिक्सअप कर सकते, वो कैसे अभी हम आपको उसमें भी आपको बताते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। अब हम इसमें से जैसे एक कोई चुन लेते हैं। अब जैसे ये हमने चुन लिया, अब इसमें हम अपने इसको चैनल के नाम पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब इसमें ये AS है, इसकी जगह हम इसको TS करना चाहते हैं टेक्निकल एरोस पे। तो उसके लिए पहले ए पे क्लिक करा, फिर इधर ये इधर एडिट का जो इधर एडिट पे हम क्लिक करेंगे और इधर इसको डिलीट कर देंगे और इधर लिख देंगे T और इधर अब ये S को चुन लेते हैं। इसको हमने हटाया और इसको कर देते हैं A। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ये हमने कर दिया और अब नीचे ये इसको मिटा देते और इधर लिख देते टेक्निकल एरोस, ये हमने लिख दिया। अब हमारा जो कलर है वो हम ज़्यादातर इसमें ब्लैक और वाइट रखते हैं, तो इसको इधर से इसको ब्लैक कर दिया। और इसमें अब देखिए इसमें दोस्तों जब भी हम A को इसमें छूने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार T सेलेक्ट कर रहा है, तो तब कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो आप इसमें लेयर में जाओगे और जिस भी लेयर को आप इसमें टच करना चाहते हैं आप फिर उसको टच कर सकते हो। ये हमने कर दिया। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और ये देखिए ये हमने इसका वाइट कर दिया। अब इसका बैकग्राउंड का कलर हम अपने कलर के हिसाब से ब्लू कर देते हैं और ये देखिए ये इसमें हो गया और इसको इसको भी हम इधर से वाइट कर देते हैं। तो इससे कुछ इस टाइप का आप लोगो अपने बना सकते हैं। अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए इसमें जल्दी में बनाया, आप इसमें समय लेके अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं और फिर जब आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप इधर से ये जो डाउनलोड का निशान है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये इधर डाउनलोड आपके फ़ोन में या PC में कहीं भी आप जहाँ इसको सेव करना चाहते हो वहाँ सेव हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हम किस तरह से फ्री में अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाए। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या सवाल रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते, हम उसका जवाब जल्द से जल्द जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण।